ऑप्टिमिस्टिक हो गए या नील में चले गए। तो यीशु बाबा को याद करना और नारायण को याद करना दोनों तो एक ही चीज है। शिव निराकार है, निर्विकार है, निरहंकारी है और नारायण संगमयुगी नारायण। निराकारी स्टेज वाला होगा या नहीं होगा? निर्विकारी होगा, निरहंकारी होगा। 33 करोड़ देवताओं में से कोई एक ही देवता को ये टाइटल मिलता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो कौन है? वही नारायण बनता है। अगर समान स्टेज बन जाए तो याद करेंगे तो कैसा पद पावेंगे? नीचे पद पावेंगे या समान पद पावेंगे? समान पद ही पावेंगे। एक बात और कि निराकार शिव को याद करेंगे तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे, अगर निराकार शिव को साकार में समझ करके याद करेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म में जा रहेंगे। जो भी धर्म पिताएं हैं, प्रजापिता से लेकर के और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी छोटे से छोटे भी हैं, वो किसको याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं। निराकार को याद करते हैं तो नंबर वार याद करती हैं या एक जैसी याद करते हैं? नंबर वार याद करते हैं। 100% एक के सिवाय कोई भी याद नहीं कर पाता। जो एक है, बापों का बाप जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो ही शिव के समान स्थिति को प्राप्त करता है, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं, अल्पकाल के। बाप समान स्टेज को धारण करता है, इसलिए बोला है सबसे अच्छा याद है नारायण को याद करो। साकार को याद करना सहज होता है या निराकार को याद करना सहज होता है? 63 जन्म साकारी देहधारियों को याद किया, याद करते करते उनमें मोह लगता चला आया, ये प्रैक्टिस पड़ी हुई है। निराकार को तो नहीं याद किया, तो निराकार ज्योतिबिंदु की याद करना कठिन हो जाता है। और ज्योतिबिंदु जब ये समझ में आ जाए, इस साकार रथ में मुकरर रूप से ऊपर परमपिता परमात्मा शिव आया हुआ है सृष्टि को चेंज करने के लिए, तो सहज हो जाता है। संबंध भी जब साकार में होते हैं तो याद आते हैं या निराकार हो तो याद आते हैं, कोई भी संबंध हो, साकार में प्रैक्टिकल में उनके साथ जीवन बिताया होगा तो वो क्षण याद आ गए। अगर प्रैक्टिकल में जीवन बिताया ही नहीं है तो याद भी नहीं आवेगा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आकर के सब प्रकार के संबंध बच्चों के साथ निभाता है, जिसको जो संबंध अच्छा लगता हो उस संबंध में बाप के साथ अनुभव ले सकता है और सहज भी हो जाता है। जब सहज होगा याद तो निरंतर होगी या नहीं होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, सहज नहीं होगी तो निरंतर भी नहीं होगी। इसलिए
इसलिए साकार में निराकार को याद करना, ये है एडवांस ज्ञान। सिर्फ निराकार की पहचान, मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, ज्योतिबिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योतिबिंदु, इतना तो जान लिया। लेकिन वो मुसलमानों का ज्ञान हो गया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब क्या आकाश में से आवाज आई, फरमाया कैसे? तो प्रैक्टिकल ज्ञान तो हुआ नहीं, अभी तो बाप खुद प्रैक्टिकल में आया हुआ है और प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें बताता है। कोई अंधश्रद्धा अंधविश्वास सिखाने की बात नहीं है। 63 जन्म हमने भक्ति मार्ग में गुरुओं से अंधश्रद्धा अंधविश्वास सीखा, अभी अंधश्रद्धा अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। बाबा, जगदम्बा रचयिता की रचना, जगदम्बा बच्ची है या बाप है? उर्दू में बोलते हैं जगदम्बा बच्ची, क्या बोलते हैं जगदम्बा को? बच्ची बोला। तो बच्ची रचना होती है या रचयिता होती है? बच्ची को क्या कहेंगे? बच्ची और बच्चा को रचना कहेंगे या रचयिता कहेंगे? रचना ही। किसकी रचना है? बाप की रचना है। बाप बीज को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बाप, बाप बीज को कहा जाता है। बीज है ज्ञान का। शिव बाप जब आते हैं तो काहे का बीज डालते हैं? ज्ञान का बीज डालते हैं। तो जिस व्यक्ति में आकर के पहले पहले ज्ञान का बीज डाला वो ही बाप हो गया। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता कहो, आडम कहो, आडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो बीज ज्ञान से पहले उत्पन्न हुआ, बीज से फिर बच्ची का जन्म होता है। पहले पहले कौन सी बच्ची का जन्म हुआ है? समझ मिलती है तो जन्म होता है या बिना समझे जन्म हो जाता है? कोई सिर्फ सुन ले और दूसरों को सुनाने लगे तो कहेंगे जन्म हो गया है? नहीं हुआ। जन्म कब कहे? जब पूरा समझे और दूसरे इतना समझे कि दूसरों को भी समझा सके, कन्विंस कर सके, और इतना समझ जाए कि एक बार समझने के बाद फिर हिले नहीं, तो उस जगदम्बा भी बच्ची है, बच्चा नहीं कहेंगे और रचयिता भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जगदम्बा के द्वारा सृष्टि के आदि में सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया या समझने समझाने का ज्ञान का फाउंडेशन डाला गया? सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया। सुनने सुनाने की भक्ति तो 63 जन्म से चली आई है, हजारों साल हो गए जब से ये सुनना सुनाना चलता चला आया। लेकिन सुनी ही बातों को समझाना ये कोई ने नहीं किया, ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव का काम है, जो कोई मुकर्र रथ में आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है, और कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं समझाता है। गुरु ने क्या किया? गुरु ने पहले शास्त्र पढ़े फिर दूसरों को सुनाए, वो भी जो बातें सुनाई अगर उनमें कोई प्रश्न करते तो गेट आउट। यहाँ तो बाप बच्चों को एक एक बात गहराई समझाते, उनको खुद ही पता नहीं है रावण को 10 सिर थे तो कैसे, विष्णु को 4 भुजाएं थी तो कैसे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो कैसे, गणेश को सूंड दिखाई है, हनुमान को इतनी लंबी पूंछ दिखाई है, बंदर का मुंह दिखाया कैसे,
उनको भगवान की पदवी दे दी है। कैसे समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, अंधश्रद्धा ही सिखाई। अभी बाप हमारी आंखें खोलते हैं, अंधा नहीं बनाते हैं, अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, ज्ञान की आंख तीसरा नेत्र खोलते हैं, ये बुद्धि की आंख है। तो जगदम्बा के द्वारा सिर्फ सुनने सुनाने का काम होता है, समझने समझाने का काम नहीं होता है। जगदम्बा भी सरस्वती नदी है, क्या है? नदी है या सागर है? नदी है। नदी किसी से निकलती है या नदी से सागर निकलता है? नदी सागर से। अरे बाप में से बच्चा निकलता है, रचयिता में से रचना निकलती है। जगदम्बा जो नदी है वो पतित पावनी नहीं हो सकती, पतितों को पावन बनाने वाली रचना नहीं हो सकती, रचयिता ही हो सकता है। रचयिता ज्यादा पावरफुल या रचना ज्यादा पावरफुल? रचयिता ज्यादा पावरफुल। एक नोट का प्रश्न है, अभी इंडोनेशिया में घड़ी घड़ी सुनामी है, अर्थक्वेक हो रहा है ना उसका, इंडोनेशिया में अभी बार बार सुनामी है और भूकंप भी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसका बेहद का एक है एशिया, क्या एक है इंडोनेशिया, इंडियन एशिया, क्या जो एशिया है उसका नाम क्या पड़ा? एशिया। चाहे देवताओं के रूप में ऐश किया, चाहे मनुष्यों के रूप में ऐश किया, ऐश सबसे जास्ती किया है किसने? कौन सा महाद्वीप है? एशिया। एशिया में भारतवर्ष आता है कि नहीं आता है? तो भारतवासियों ने देवताओं के रूप में भी ऐसा आराम किया, और अभी जो राक्षसी दुनिया बनी है उसमें भी देवी देवी देवताएं तो नहीं रहे, लेकिन मनुष्यों के रूप में या राक्षसी रूप में जितना भारतवासियों ने ऐसा आराम किया, एक एक राजा ने सैकड़ों सैकड़ों रानियां रखी, इतना ऐसा आराम और कोई ने नहीं किया। उसकी यादगार बनाई हुई है इंडियन एशिया। कैसी एशिया? इंडियन एशिया। आज के भारत के मुकाबले वहां ज्यादा सुख है या कम सुख है? इंडोनेशिया ज्यादा सुख है, वहां जैसे स्वर्ग जैसा वातावरण भी है। तो आखिरी जब सृष्टि का विनाश होगा तो नरक जैसा वातावरण जो हो जाता है, इसलिए सबसे जास्ती सुनामी भी कहाँ आ रही है? इंडोनेशिया। बाबा ये 7 दिन का कोर्स है ना? हाँ। वो गीता पाठशाला में आकर के कोर्स लेना अच्छा है या जहाँ भी हम जा कर के सेवा माता को लेकर? कोर्स उसे कहते हैं जिसमें फोर्स आ जाए। कौन सा फोर्स? बाप से मिलने का फोर्स आ जाए, आत्मा में तड़प पैदा हो जाए कि हम तो मिलेंगे। बेहद के बाप की जिसको पहचान हो जाएगी कि प्रैक्टिकल में बाप इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ है, तो तड़प होगी कि नहीं होगी? तड़प हो जाएगी, उसको कहते हैं फोर्स। कि ऐसे नहीं चारों चित्र बैठ करके सुना दिए, सुनने वाले ने सुन लिए, एक कान से सुनता जाता है दूसरे कान से निकालता जाता है, बुद्धि को कुछ बैठा ही नहीं। कोर्स करने वाले ने कोर्स कर दिया, वो समझता है हमने बहुत सेवा की, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अब वो गीता पाठशाला में वो कोर्स दिया जाए या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बैठ करके समझाए, लेकिन वो आत्मा में फोर्स भरना चाहिए। विष्णु का पाठ अति सुंदर होता है, विष्णु
विष्णु का पार्ट। विष्णु का पार्ट कभी शुरू, कब शुरू होता है ये बात बताई नहीं थी क्या? है दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है माना दो हजार आठ में विष्णु का पाठ शुरू होगा। हाँ, 2008 में विष्णु का पाठ शुरू होगा। शंकर का पाठ शुरू हुआ तो अपने परिवार में शुरू हुआ, एडवांस पार्टी वालों में रुद्रमाला के मणके जो हैं जो उनमें शुरू होगा या चंद्रमा चंद्रवंशियों में शुरू होगा? शंकर का पाठ इसमें शुरू होगा, सूर्यवंशियों में शुरू होगा ना। ऐसी जो राधा है या लक्ष्मी है या वैष्णवी है वो सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होना शुरू होगी या चंद्रवंशियों में प्रत्यक्ष होना शुरू होगी? चंद्रवंशियों में प्रत्यक्ष नहीं हो रही होगी। आपको पता है, पक्का पता है? हैं, पहले वो अपना अपने परिवार में प्रत्यक्ष होगी या दूसरे के परिवार में जाके प्रत्यक्ष होगी? पहले अपने परिवार में प्रत्यक्ष होगी, हो रही है। अपने परिवार को संगठित करेगा या पहले देवी देवता सनातन धर्म वाली आत्माओं को संगठित करेगा? पहले अपने परिवार में उसका प्रभाव निकलेगा। ऐसी राधा वाली आत्मा है वो प्रत्यक्ष होगी, वैष्णवी देवी कहो, राधा कहो, लक्ष्मी कहो, तो पहले पहले वो अपने परिवार में प्रत्यक्ष हो रही है। वहाँ प्रत्यक्षता, वहाँ संगठन पूरा करने के बाद फिर मेल होगा। रुद्रमाला के मणके नंबर वार फिर विजयमाला में ऐड होगा। पहले नदियाँ इकट्ठी होंगी, संगठित होंगी, या सागर के बच्चे पहले संगठित हो जाएं? नदियां पहले संगठित होती हैं। नदियों में बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। नीची स्टेज में बहती है या ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती है? ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहती है। इसका मतलब क्या है? विकारों में गिरती होगी कि नहीं गिरती होगी? विकारों में जो गिरे वो ऊंची नदी नहीं है, पहाड़ों पर बहने वाली नहीं है, तो मैदान में गंद कचरा गिरता है आकर के। नदियां हैं वो ज्यादा पवित्र हैं या जो पोखरे हैं तालाब हैं वो ज्यादा पवित्र हैं? नदियां ज्यादा पवित्र। जो बात वहाँ बोली गई थी बेसिक नॉलेज में वो बात यहाँ भी लागू होती है। अभी ज्ञान सागर बाप आया हुआ है, सागर के बच्चे गहराई को समझ रहे हैं, समझते हुए भी अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। ना दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे? अब उनमें चाहे स्त्री चोले हो या चाहे पुरुष चोले हो, स्त्री चोले पुरुष चोले की बात नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ करने की बात है। आखिर इन पहले पहले कितने निकलेंगे जो विजयमाला में ऐड किए जाएंगे? कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? आठ निकलेंगे। तो आठ को पहले पता चलेगा या औरों को पता चल जाएगा? आठ को पता पहले चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी का कनेक्शन पहले आठ से होगा। उसमें भी नंबर बार है,
आठ की माला में भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं या नहीं है? उसमें भी दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे हैं, कोई पहले ऐड होंगे कोई बाद में ऐड होंगे। माला माने संगठन, और हमको तो माला का पता भी नहीं चलेगा कि गुप्त स्थापना हो रही है। विजय माला में जो निकलेंगे वो संपूर्ण सरेंडर होंगे या अधूरे सरेंडर होंगे? संपूर्ण सरेंडर होंगे। प्योरिटी की भावना में भी संपूर्ण सरेंडर होंगे, तन से मन से धन से मनसा से वाचा से कर्मणा से, या अधूरे सरेंडर होंगे? तो आगे नहीं जाएंगे। इसलिए बोला हुआ है स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खोलते हैं? कन्याओं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। ये रुद्रमाला के मण के सब पुरुष हैं या स्त्री हैं? पुरुष है। पुरुषों के लिए टाइटल क्या दे दिया है? दुर्योधन दुशासन। स्थापना गुप्त हो रही है, ऐसे नहीं स्थापना हो नहीं रही है। गुप्त से जब प्रत्यक्ष होगी तो जितनी प्रैक्टिकल में स्थापना प्रत्यक्ष होती जाएगी उतना ही उतना दुनिया के अंदर विनाश भी साकार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता जाएगा। क्यों बाबा है? क्यों एक कुमार 700 ब्राह्मण के समान है? एक कुमार, कोई तो कुमार होगा जो विजयमाला में पहले ऐड होगा है? नहीं होगा है? कम से कम अव्यक्त वाणी के ऊपर तो विश्वास कर लेना चाहिए। अव्यक्त वाणी में तो बोल दिया क्या ये असली सर्विस अफ्रीका ने शुरू की है, सर्विस करना चाहिए। वो सर्विस अभी तक कोई ने की ही नहीं। किसने शुरू किए? अफ्रीका वालों ने शुरू किए। अफ्रीका में कराने वाला कौन है? उपिया कोई तो होगा। बोल बोल से प्रत्यक्षता होगी या प्रैक्टिकल से प्रत्यक्षता होगी? है प्रैक्टिकल से प्रत्यक्षता होगी। तीन पार्टियां हैं एडवांस में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी, एक प्रैक्टिकल पार्टी। क्या इंस्पिरेटिंग पार्टी का आ जाता है मकान मालिक को, वो मजदूरों को भी प्रेरणा देता है, इतना पैसे देंगे ये काम करो। इंजीनियरों को भी प्रेरणा देता है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, प्लानिंग बना के दिखाओ, नक्शा बना के दिखाओ, देता है ना। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी भी है, बड़े बड़े इंजीनियर्स की भी प्लानिंग पार्टी भी है, ऐसा नक्शा बनेगा, ऐसा मकान बनेगा, सारी प्लानिंग बना करके तैयार करके रख देते हैं। लेकिन जब तक मजदूर ना हो, मकान को प्रैक्टिकल बनाने वाले ना हो, तब तक कुछ भी होगा नहीं।
वो बेचारे वेतन भी सबसे कम पाते हैं। तीनों ग्रुप्स में ज्यादा अधीन रहने वाला ग्रुप कौन सा है? प्रैक्टिकल पार्टी। अधिकारी ज्यादा दुखी होता है या अधीन ज्यादा दुखी होता है? अधीन ज्यादा दुखी होता है। भगवान किसके लिए आया हुआ है? जो अधीन है उनके लिए आया हुआ है। प्लानिंग पार्टी वालों में कम से कम ऐसे तो हैं कि ज्ञान सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, वो तो ज्ञान सुनने के लिए भी स्वतंत्र नहीं, इतने बांधे ले हैं। कुरुक्षेत्र यादगार को बनाया करो। और क्षेत्र माने भूमि है, ये युद्ध भूमि है, जितना जो लड़ाई लड़े सच्चाई के लिए उतना प्राप्ति करे, करो और प्राप्त करो। जो करेगा सो पाएगा, ये बिना करे पाएगा। सच्चाई के लिए कोई लड़ाई न लड़े, हाथ पर हाथ रख के घर में बैठा रहे तो सचखंड में पहले चला जाएगा। सचखंड में पहले किसको जाना चाहिए? जो सच्चाई के लिए युद्ध करे, तन भी स्वाहा करे, धन भी स्वाहा करे, मन भी स्वाहा करे, मन सा वाचा कर्मणा सारी ताकत लगाए। जो जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा वो पहले स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का मालिक बनेगा। पीछे रह जाएगा तो पीछे जाएगा। कर्म की थ्योरी है इसलिए उसका नाम रख दिया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कोई वो हरियाणा में वो भूमि का नाम नहीं है जिसका नाम कुरुक्षेत्र रख दिया। इतनी आबादी बताई है महाभारत में लड़ाई लड़ने वालों की, वो आबादी तो सारी 500 करोड़ दुनिया है। इतने अक्षौणी हाथी थे, इतने अक्षौणी घोड़े थे, इतने अक्षौणी रथ थे, इतने ऐसे ऐसे जो बताया है, इतने अक्षौणी पैदल थे। ये सारी आबादी तो 500-700 करोड़ होती है जाकर। ये 500-700 करोड़ आबादी सारी मनुष्य सृष्टि की है। सारी मनुष्य सृष्टि को इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना पड़ेगा। अभी कोई चुपके से घर में बैठना चाहे, ज्ञान में न चलना चाहे, या ज्ञान में चल करके छोड़ करके बैठ जाए, तो भी उसको इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। लेकिन नंबर नंबर पीछे रह जाएगा। इस दुनिया में झूठों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अफ्रीका में क्यों मनुष्य बहुत काले दिखते हैं? अफ्रीका के मनुष्य क्यों बहुत काले होते हैं? काला और गोरा। अंग्रेज लोग क्यों गोरे होते हैं? ज्यादा अंग्रेज लोग इसलिए गोरे होते हैं कि वो आत्माएं लास्ट में उतरी हैं ऊपर से। इस सृष्टि पर वो आत्माएं लास्ट में उतरी हैं इसलिए गोरी है। और देवी देवता सनातन धर्म के आदि के उतरे हुए हैं, तो ज्यादा तमो प्रधान भारत वाले बनेंगे? भारत वाले जो अफ्रीका में चले गए वो बनेंगे या दूसरे बनेंगे? भारतवासी हैं तो कद भी छोटा हो गया, चेहरे के भी देखने में अच्छे नहीं लगते, तमो प्रधान जैसे दिखाई पड़ते। जोर से बोलो जो सब सुने, बाहर शोर भी ज्यादा हो रहा है। लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों के संस्कार जब मिलकर के एक हो जाएंगे तो कहा जाएगा महालक्ष्मी। अभी कहाँ खत्म हो गया? अभी सब मरमरा गए, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाए एडवांस पार्टी में,
थोड़े से जाके बचे, तब कहेंगे सब मर गए, विनाश हो गया, अशुभ संहार कारिणी ने सबका संहार कर दिया। अभी तो सारे जिंदा बैठे हैं। सिर्फ चंद्रवंशी ग्रुप में ही नहीं मिलेगी, जितने भी सारी दुनिया में सारे जगत में दूसरे दूसरे वंश के हैं वो सब उसके बच्चे हैं, सबसे मिलके सबसे रिद भिद के एक हो जाएगी, अपने सारे बच्चों की ताकत लगा देगी। लेकिन जगदम्बा के जो भी सारे बच्चे हैं दूसरे दूसरे धर्म के और देवी देवता सनातन धर्म में भी जो चंद्रवंशी हैं वो सारे झूठे हैं या सच्चे हैं, है? तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और एक बाप और बाप के मुट्ठी भर बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, फिर जीत किसकी होगी अंत में? डूबी जा किसकी होगी और जीते जा किसकी होगी? हाहाकार किधर होगा और जय जयकार किधर होगा? है? जो सच्चाई होगी वो जीत पाएगी और जो झूठा होगा वो डूबी जा हो जाएगा। लक्ष्मी जाके अभी नहीं मिल रही है चंद्रवंशी ग्रुप में। लक्ष्मी तो है ही चंद्रवंशियों में, पल ही रही है। कहाँ लक्ष्मी कहाँ पल रही है? चंद्रवंशियों में ही पल रही है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की ही तो बच्ची है, कहाँ पलेगी? चंद्रवंशियों में पल ही रही है। हाँ, माया ने अपनी पाला बदल ली, माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। प्रकृति है जगदम्बा, माया रावण के 10 रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये माया के रूप हैं, माया रावण के। और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये जड़त्वमयी है, इनमें ज्यादा अकल नहीं है, ज्यादा गहराई से सोचने की। माया में बुद्धि ज्यादा है लेकिन जड़ तत्वों में उतनी अकल नहीं है। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि नहीं होती तो इतने साल तक बाप के साथ रह करके भी बाप को पहचान ना पाए। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को पहचान नहीं पाते। तो जड़ बुद्धि कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? जड़ बुद्धि कहेंगे। लेकिन रचयिता बाप की एड़ी से लेके चोटी तक की सारी पावर उसकी रचना में लगी है। किसकी रचना में? प्रकृति जगदम्बा की रचना में एड़ी से लेकर सारी ताकत उसने लगा दी, माया में तो नहीं लगा दी। माया से तो युद्ध हुआ है, सारी ताकत किसको मिली है? प्रकृति को, जगदम्बा को। तो जगदम्बा जो है सारी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर साबित होगी बाप के सिवाय। माया रुद्रमाला के मणकों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी आज तक। रुद्रमाला के मणके लगातार बढ़ते ही रहे या घटे? बढ़ते ही रहे। एडवांस पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बिना किसी प्रकार की सर्विस किए, बिना किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट किए, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। लेकिन अभी माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, अब क्या होगा? जितनी स्थापना होनी थी हो गई रुद्रमाला के मणकों की, अभी तो विनाश सामने खड़ा है। वो माया प्रकृति का सहयोग लेकर के सबकी बुद्धि घुमाई देगी। माया भी कोहराम मचाएगी, पहले से मचा भी रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अभी प्रकृति के 5 तत्व भी कोहराम मचाएंगे। सरकारी तबका तो वैसे ही माया का बना हुआ है,
ये सारा समाज माया भी बना हुआ है, समाज के लोग भी दुश्मन बनेंगे, संबंधी भी दुश्मन बनेंगे। गवर्नमेंट तो दुश्मन है ही है, रावण संप्रदाय की गवर्नमेंट है या राम संप्रदाय की? सारी गवर्नमेंट ही रावण संप्रदाय। आज एक कानून बनाती है, आज ही कानून बनाया, आज ही बिगाड़ दिया। मायावती का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। मायावती का तबका बढ़ता जा रहा है। और मायावती है कहाँ की? उसको पूरा सहयोग दे रहा है। अब तो हाथ मिल गया है ना माया का, इससे हाथ मिल गया है। वती माने क्या? माया माने माया, वती माने वाली, क्या धनवती धनवान। वान और वती माने क्या होता है? वाला। मायावती माने माया वाली। अभी तक हाथ नहीं मिला था माया से, तो माया भी नहीं थी अभी तक। अब क्या हो गई? अब माया भी नहीं हो गई प्रकृति, तो दोनों मिलकर के कहर मचाएंगे। माया ने उधर शरीर छोड़ा, आधार मूर्त अनुभव बीज रूप ने नहीं, उधर शरीर छोड़ा और दिल्ली में जो पूर्व साइड की कन्याएं थी जगदम्बा को सपोर्ट करने वाली, वो सारी छोड़ के चली गई। ये किसका प्रभाव हुआ? माया का प्रभाव हुआ। अभी कौन से ग्रुप के ऊपर हमला होगा? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी नहीं हिलते। सूर्य तो जलता है और दूसरों को जला देता है। काम विकार के जो चेहरे हैं वो कौन है? इस्लाम धर्म वाले, वो जाएंगे पहले। पहले ये इस्लाम ही तुम्हारे हैं। उनको बाप के पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा अनिश्चय पैदा होगा। हैं खुद भिखारी, लेकिन देखेंगे किसको भिखारी? बाप को भिखारी देखेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। हाँ जी, अभी जो बैंक का सब खत्म होते जा रहा है, जहाँ भी पैसे डालते हैं तो खत्म होते जा रहा है। हाँ जी, अभी उसके लिए इन्वेस्टमेंट ईश्वरीय परिवार तो करना है, लेकिन अभी उनके परिवार को भी देखभाल करना है, तो उसके लिए आपसे आए। अब बाबा तो बता दिया कि सारा आबू खरीद करना पड़ेगा, और वैसे भी देख लो लौकिक रीत से भी इंडिया की जो जमीन है उसकी इतनी वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू होती है ना, वो गवर्नमेंट वैल्यू और जगह नहीं बढ़ाई है। छोटे छोटे कस्बों की माउंट आबू की वैल्यू तो बहुत बढ़ी हुई है। महानगरों की बात छोड़ दो, क्यों बढ़ी हुई है इतनी वैल्यू? कोई तो कारण होगा, हैं?
हाँ, उसका कारण ये है, वो बेल्ट जो है माउंट आबू की, वो भूकंप से सुरक्षित है और सारी दुनिया में भूकंप आएंगे, एटम बम फटेंगे तो भूकंप आना शुरू हो जाएंगे, जमीन फटने लगेगी, आग उगलने लगेगी। लेकिन माउंट आबू जो है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, एक ही पत्थर का, और ज्यादा गहरा है, और पहाड़ इतने गहरे नहीं है, इसलिए भूकंप का असर माउंट आबू की जमीन में नहीं होगा। ये भगवान की भूमि है, लंबे समय तक तपस्या कहाँ हुई है और कहाँ होनी है, माउंट आबू में। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, इस सृष्टि पर कौन सा स्थान होगा जहाँ परमधाम उतर आएगा, सारी दुनिया में अशांति होगी लेकिन वहां अशांति का नाम निशान नहीं होगा। आप समझ लो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कंपनियां सब फेल होती जा रही है, बैंकों का भी कोई ठिकाना नहीं, रोज रोज नए सिगूफे पैदा होते रहते हैं, एक एक आदमी अरबों की संपत्ति निकाल करके बैठ जाता है। कुछ बिगड़ा उसका, कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा किसका बर्बाद होता है, पब्लिक का। ऐसे होते होते एक दिन बैंकर भी डूब जाएंगे, तब क्या करेंगे, नोट कितने नकली घुसते चले जा रहे हैं, वो भी बैंक वो लेट हुए थे। इसलिए सबसे अच्छी सुरक्षा का साधन है, जिनके पास बहुतायत से पैसा है, फालतू पैसा पड़ा हुआ है, किसी काम में नहीं आ रहा है, अंदर ससुपंच चल रहा है, कहाँ डालें, आँख बंद करके माउंट आबू की जमीन खरीद लें। विदेशियों को जब पता चलेगा ऐसी जमीन का, तो सारा पैसा कहाँ उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो परिवार का भी सुरक्षा देखना चाहता हूँ, तो लैंड खरीदना है, जिससे उनके परिवार भी है ना, जो बच्चे हैं उसको भी संभालना पड़ता है। हाँ, तो वहाँ की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, वहाँ बढ़ रही है, लेकिन अभी वो बच्चे जो जो भी बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनको शादी कराना है, उसको ज्ञान में चल रहे ज्ञान और शादी, वो बच्चे जो उनके बच्चे हैं उनका बच्चे काहे के, बच्चे वो जो अपनी बात माने, रचयिता की बात रचना न माने तो रचना किस बात की, मेरा 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 फालतू किए बैठे है। वैसे वो भाई बोल रहा है, क्या भाई बोल रहा है, भाई तुम्हारा है ही नहीं, और रावण संप्रदाय का भाई है जो ऐसे बोल रहा है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। अरे मेरा कौन है इस दुनिया में, जो मेरे बाप की बात माने वो मेरा, मेरे बाप की बात ही नहीं मानता तो मेरा काहे के लिए रहेगा, मेरा पकड़ के रखो, देखो कहां तक पकड़ोगे, वो खुद ही मुंह पे थूक के चला जाएगा, तब पता चलेगा मेरा है।